इंदौर की स्पेशल टास्क फोर्स ने शुक्रवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए छोटा सराफा के 4 सोना चांदी के कारोबारियों को उनके घर से गिरफ्तार किया। इनके पास से एसटीएफ ने 3 किलो 75 ग्राम सोना, जिसकी कीमत 1,55,00,000 रुपए है, और 1 करोड़ की नगद राशि बरामद की। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि आरोपित विदेश से सोने के बिस्कुट मंगवाकर मिलावटी बिस्कुट तैयार करते हैं। फिलहाल एसटीएफ सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दरअसल इंदौर एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर के छोटा सराफा केआरबी ज्वेलर्स के संचालक रवि जैन ने लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर सोना तस्करी की है। सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम ने एरोड्रम रोड पर महावीर एवेन्यू स्थित उसके घर पर छापे मारे और रवि जैन, योगेंद्र जैन, दलाल अरविंद नीमा और धीरज जैन गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने इनके कब्जे से 3 किलो 75 ग्राम सोना और 1 करोड़ से अधिक की नगद राशि बरामद की। सोने की कीमत करीब 1,55,00,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी रवि जैन ने पूछताछ में बताया कि वो 100% शुद्धता वाले सोने के बिस्कुट मंगवाकर गला देता था, फिर मिलावट कर नए बिस्कुट तैयार करता था। इस प्रकार उसे टैक्स और मिलावट का मुनाफा होता था। एसटीएफ ने आयकर और जीएसटी विभाग को भी सूचना दे दी है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की तस्करी का सोना अहमदाबाद होते हुए उनके पास इंदौर पहुंचता था। इसके बाद ये लोग उसके नकली बिल बनाते थे। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के संपर्क कई राज्यों के सोना तस्करों व कारोबारियों से भी है। जब सोने के कई बिस्किट पर दुबई की सील लगी मिली है। एसटीएफ आरोपियों की कॉल डिटेल, उनके कनेक्शन किन लोगों से है और बैंक खातों की जानकारी निकाल रही है। एसटीएफ इकाई इंदौर को एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है कि जो गोल्ड स्मगलिंग के गैंग की एक सूचना थी, आरक्षक ओमवीर को प्राप्त हुई थी और उस सूचना पर टीम लगाई गई थी। तो इस सूचना को तस्दीक किए जाने के उपरांत टीम ने जो एरोड्रम रोड पे 38 महावीर कृपा अपार्टमेंट में दबिश दी और वहाँ दबिश में एक कमरे के अंदर ये 4 जो संदिग्ध हैं, रवि, योगेंद्र, दिनेश और अरविंद को हिरासत में लिया और इनके पास से करीब 3 किलो 75 ग्राम सोना और 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। उक्त वैधानिक कार्रवाई उपरांत, जब्ती उपरांत इसमें प्रकरण दर्ज किया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी इस प्रकरण में डीआरआई से हुए संवाद में उक्त सोने में जो विदेशी स्मगल्ड गोल्ड होने की और टेम्पर्ड गोल्ड होने की ये पुष्टि हुई है, तो प्रकरण अग्रिम अनुसंधान के लिए डीआरआई को भेजा जा रहा है। ये अभी इनसे आरोपियों से अभी तक पूछताछ की गई है लगातार और अभी डीआरआई भी पूछताछ करेगी और ये इसका पूरा सोर्स निकाला जाएगा। अभी जो जो इसमें बुलियन बिस्किट मिले हैं उनमें कुछ संभवतः दुबई या ऐसे बैंक का सील वगैरह भी मिली हैं और अभी वैल्यूअर इसको पूरी तरह से एसेस करके अपनी रिपोर्ट देंगे और डीआरआई द्वारा इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से एनके मीना के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।